नमस्कार, द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। चलती ट्रेन में महिला का पर्स लेकर भागने की घटना में शामिल दो बदमाशों को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेल यात्री महिला की हुई थी मौत। गुवाहाटी बारमेर एक्सप्रेस ट्रेन से एक महिला रेल यात्री का पर्स लेकर भागने की घटना में शामिल दो बदमाशों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रविवार को जीआरपी बरौनी थाना में रेल डीएसपी बरौनी गौरव पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बीते 4 नवंबर को सुबह करीब 3:15 में दनौली फुलबड़िया स्टेशन के पास चलती ट्रेन संख्या 15632 गुवाहाटी बारमेर एक्सप्रेस ट्रेन में दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा ट्रेन के कोच संख्या S3 से एक महिला यात्री कुमारपारा पांचाली गुवाहाटी असम की निवासी कांता जैन का उसके सर के नीचे से पर्स झपटकर भागने एवं उक्त महिला द्वारा पीछा करने के क्रम में गिरकर मृत्यु हो जाने के संबंध में बेगूसराय रेल थाना में कांड संख्या 71/22 दर्ज किया गया था। कांड दर्ज होने के बाद रेल पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन के मार्गदर्शन, रेल पुलिस अधीक्षक कटिहार संजय कुमार भारती के पर्यवेक्षण एवं रेल पुलिस उपाधीक्षक बरौनी गौरव पांडे के नेतृत्व में उक्त कांड में सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं चोरी की गई लेडीज पर्स, मोबाइल एवं अन्य सामान की बरामदगी हेतु एक छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसके पश्चात घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ तकनीकी एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 4 नवंबर 2022 को गाड़ी संख्या 156/32 गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस में गाड़ी के खगड़े से चलने के बाद दनौली फुलवरिया स्टेशन पर गाड़ी जब लूप लाइन से प्लेटफॉर्म के बगल से गुजर के मेन लाइन में जुड़ने जा रही थी, उसी समय S3 बोगी से एक महिला के पर्स को छीन के एक अपराधकर्मी के भागने की घटना अपराधकर्मी भागा और जिसने वो महिला भी जख्मी होकर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उस घटना के संबंध में बेगूसराय में कांड संख्या 71/22 दर्ज हुआ और वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में एक SIT टीम का गठन किया गया उस अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए और चोरी गए महिला के लेडीज पर्स और उसके सामानों के चोरी के सामानों की बरामदगी की। घटना के बाद छापेमारी टीम ने त्वरित गति से काम करते हुए घटना में शामिल अपराधकर्मी की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन करते हुए उनकी पहचान किया। पहचान करने के बाद अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। दो अपराधकर्मी इस पूरी घटना में शामिल थे। एक का नाम मणिकांत पासवान, पिता उमेश पासवान, ये पहाड़चक वार्ड नंबर 27 बेगूसराय का रहने वाला है और दूसरा ही इसी के गांव का नवीन पासवान है, पिता नंद किशोर पासवान, पहाड़चक थाना मुफस्सिल जिला बेगूसराय का ही रहने वाला, एक ही गांव के दोनों रहने वाले हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर महिला के चोरी गए सामानों में उसका हैंडबैग, उसके चोरी गए मोबाइल और उसके अन्य आधार कार्ड या जो सामान थे उनकी बरामद हुई। इसी क्रम में उसके पास से अपराधकर्मियों के पास से उसका पैसे और मोबाइल ये सारी चीज़ें।